खबर रीवा से, जहां हिंदू युवा शक्ति धूमधाम से झूलेलाल जयंती मनाने का निर्णय लिया गया, वहीं पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का सिंधु भवन में आयोजन किया। बताया गया कि इस मौके पर अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हंसदास उदासी जी के सौजन्य से झूलेलाल अमर ग्रंथ पाठ का 5 दिवसीय अनुष्ठान सम्पन्न होगा और पूज्य स्वामी जी झूलेलाल की कथा सिंधु भवन में कार्यक्रम किया जाएगा। 21 मार्च को सामूहिक जनेऊ संस्कार सुबह 9 से दोपहर 10 बजे प्रीति भोज एवं रात्रि 9 बजे से सुर संगीत का आयोजन होगा। देखिए पदाधिकारियों ने क्या कुछ जानकारी दी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे सिंधी समाज के ईष्ट भगवान श्री झूलेलाल जी का पावन जन्मोत्सव दिनांक 23 मार्च 2023 को पूरे श्रद्धा उत्साह के साथ हमारे नगर की विभिन्न संस्थाएँ, श्री झूलेलाल सेवा मंडल, सिंधु युवा शक्ति, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत एवं अन्य संस्थाओं द्वारा मिलके मनाया जा रहा है, जिसमें इस पहली बार श्री झूलेलाल भगवान के अमर ग्रंथ की कथा का हमारे परम आदरणीय गुरुजी स्वामी हंसदास जी द्वारा 5 दिवसीय कथा का प्रारंभ आज सुबह किया गया है, जो 5 दिन सुबह शाम अनवरत चलेंगी। इसके साथ ही 21 तारीख को रात्रि में हमारे यहाँ रंगारंग भजनों का एवं सिंधी नृत्य का कार्यक्रम होगा। 22 तारीख को हमारे सिंध के संत स्वामी साधराम साहब का भी आगमन हो रहा है इसी सिंधु भवन में, एवं 23 मार्च को सुबह स्कूटर रैली निकलेगी तोपखाना से। दोपहर को यहाँ पे श्री झूलेलाल अमर ग्रंथ का समापन होगा, भोग साहब होगा, उसके बाद विशाल भंडारा होगा, एवं शाम को 5 बजे से श्री अपने अमर शहीद हेमू कलानी के जो चौक है वहाँ से एक विशाल शोभा यात्रा एवं बहराणा साहब का ज्योति विसर्जन, जो हम लोग करते हैं ज्योति की पूजा, उसका विशाल स्वरूप में शोभा यात्रा निकलेगी, जो प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा, खन्ना चौराहा, वेंकट चौराहा होते हुए बाबा घाट में विश्वकर्मा घाट में ज्योति विसर्जन के साथ समाप्त होगी। शाम को 6 बजे से स्टेचू चौराहे में सिंधु युवा शक्ति द्वारा एक रंगारंग स्टेज का कार्यक्रम होगा एवं वहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। ऐसे ही कई जगह शहर में जिस दिन शोभा यात्रा निकलेगी, पूरे रास्ते में विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। पूरे उत्साह और उमंग के साथ यह त्यौहार हम लोग मनाते हैं हर वर्ष, इस बार भी 5 दिवसीय कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जो है सनातनी परंपरा से हम पूरा मना रहे हैं। आज धर्म ध्वजा फहराई गई और यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 21 तारीख को हमारी जो भारतीय सिंधु सभा की संस्था है, जिसको आप व्रतबंद बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको जनेऊ संस्कार बोला जाता है, तो यहाँ सामूहिक जनेऊ संस्कार किया जाएगा, जिसमें पूरी व्यवस्था भारतीय सिंधु सभा की तरफ से रहती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक साथ बैठकर और सनातन धर्म में प्रवेश करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे और आगे चल के सनातन धर्म की सेवा करेंगे। उस दिन भी विशाल जनसमूह यहाँ एकत्रित होगा, विशाल भंडारा होगा। इस तरह के सारे कार्यक्रम हमारा सारा सिंधी समाज, पूरी संस्थाएँ, पूज्य पंचायत, श्री झूलेलाल धाम सेवा समिति और सिंधु युवा शक्ति, सब लोग मिलकर, पूरी संस्थाएँ मिलकर पूरा ये कार्यक्रम में सहभागिता दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका पूरा पूरा सहयोग है। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।